एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी टेस्ट यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी वेम फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिपति दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी टेस्ट यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी फिल्म्स फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटीजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विरोधी विचारों को करने का आरोप लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटिजन खरोड यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में है फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट विजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिपटी दिमड़ी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गेटपनिगारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई ई टिप्पणी ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटन खरोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पाँचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गीतपनिकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी डेस्ट विजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म रश्मिका मंदाना और में है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई ने वांगांगा पर विषाक्त और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप भी लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटी टेस्टिजन खरोड यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेड्डी वांगा ने सह-लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण टीसीरीड्स फिल्म्स पद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिपति दिमरि मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गेट्टीपनिकारो ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट विजन यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेम फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट विजन यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो ने किया है रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामंडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटन विजन यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण टी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमांडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारती फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गेटपनिकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी रिज भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप भी लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटीजन करोड़ यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गेटपनिगारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटन टिजन खरोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम कैमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी टेस्ट विजन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई ग्रेटपनिकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन खरोड यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेम फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट विजन खरोड यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म धदर पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामंडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन खरोड यूएस विदिन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में है फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमान्लित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और में रिलीज किया गया. फिल्म को आलोचकों से मिश्रित मिली, जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटी टेस्ट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप भी लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट यूएस खरोन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म, भारती फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें नाइन वेम पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई गेटपनिकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई गईन वेम पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन ने किया है, कपूर, कपूर, है। उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामंडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन खरोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन खरोड यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेम फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी रिज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्टिजन खरोड़ूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स धदर पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई विषाक्त पुरुषत्व ने स्त्री विरोधी विचारों को करने का भी लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटन विजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमान्लित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटन टिजन खरोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म अफेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गईcritics ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशिम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगागा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन खरोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फिल्म बन गई फिल्म पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन ने किया है। फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर रश्मिका मंदाना और में फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने भर में नाइटी टेस्टिजन खरोड यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेम फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट विजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी फिल्म वेम पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गईcritics ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी डिविजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई फिल्म फिल्मेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी रिज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स भद्रकाली पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप ही लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटिजन करोड़ यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण टी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटनजिजन खरोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है। एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गईcritics ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटन जिनट करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमानित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी टेस्ट खरोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियो ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड ट्रैक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम खेमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। एनिमल को, को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामंडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण टी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमानित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट विजन खरोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पाँचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेम पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिपटी दिम्री मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गईcritics ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामृत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर, अनिल कपूर, बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है। फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी। मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलत करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटन विजन करोड़ यूएस विद इन मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केमसन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामंडित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी खरोड़ यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम कैम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी टेस्ट यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई 69वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिपति दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइट ट्वेंटी टेस्ट यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सी रिज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल, रश्मिका मंदाना और मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके उसके पिता के साथ कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूजन वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आई फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिल करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटी खरोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म्स अधर पिक्चर्स और सिनेवन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और तिप्ती दिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2022 में शुरू हुई और अप्रैल 2023 तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमेटोग्राफी की फिल्म के साउंड एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को करने का आरोप लगाया। फिल्म ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्वभर में नाइटिजन खरोड यूएस विन मिलियन की कमाई की जिससे यह 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी नाइन वेन फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है एनिमल एक 2023 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे संदीप रेडी वांगा ने सह लिखा निर्देशित और संपादित किया है और इसका निर्माण थी सीरीज फिल्म भद्रकाली पिक्चर्स और सिने वन स्टूडियोज ने किया है फिल्म में रणबीर कपूर अनिल कपूर बॉबी देओल रश्मिका मंदाना और थिप्ती डिमरी मुख्य भूमिकाओं में है फिल्म एक शक्तिशाली उद्योगपति के निर्दयी और कठोर पुत्र और उसके पिता के साथ उसके कठिन रिश्ते की कहानी को दर्शाती है जो उसके पिता के जीवन पर किए गए एक हमले के बाद बदला और विनाश की राह पर चल पड़ने से और भी बिगड़ जाता है फिल्म की आधिकारिक घोषणा जनवरी 2021 में की गई थी मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल दो में शुरू हुई और अप्रैल दो तक पूरी हुई जिसमें अमित रॉय ने सिनेमाटोग्राफी की फिल्म के साउंड्रेक एल्बम को प्रीतम जैम एट विशाल मिश्रा जानी मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक आशीम केम्सन और हर्षवर्धन रमेश्वर ने मिलकर तैयार किया डूज वन मिनट की अवधि के साथ एनिमल सबसे लंबी भारतीय फिल्मों में से एक है इसे शुरू में अगस्त 2023 में रिलीज करने की योजना थी लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के काम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था एनिमल को 1 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में स्टैंडर्ड और आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज किया गया फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली जिसमें इसके कलाकारों के प्रदर्शन गीत एक्शन सीक्वेंस और तकनीकी पहलुओं की सराहना की गई लेकिन फिल्म के लेखन विषयों और ग्राफिक हिंसा के लिए आलोचना की गई कई टिप्पणीकारों ने वांगांगा पर विषाक्त पुरुषत्व और स्त्री विरोधी विचारों को महिमामिलित करने का आरोप भी लगाया फिल्म ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक सफलतापूर्वक कारोबार किया इसने विश्व भर में नाइटिजन करोड़ यूएस विद मिलियन की कमाई की जिससे ये 2023 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म पांचवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म नौवीं सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म सबसे अधिक कमाई करने वाली ए रेटेड भारतीय फिल्म और रणबीर कपूर के करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई सिक्सटी फिल्म फेयर पुरस्कारों में इस फिल्म ने छह पुरस्कार जीते जिसमें रणबीर कपूर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी शामिल है